हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। बुलंदशहर में कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग की निगरानी का बड़ा दायरा, 34 से 75 हुआ निगरानी का दायरा। क्वारंटाइन नियम का पालन नहीं करने पर एक युवक को किया गया 14 दिन के लिए आइसोलेशन वार्ड में भर्ती। युवक की 29 अप्रैल को शादी होनी थी, क्वारंटाइन होने के बाद भी युवक की शादी स्थगित कर दी गई। स्वास्थ्य विभाग को गांव देहात और कस्बों से लगातार मिल रही है कोरोना संदिग्धों की सूचना। अभी लगभग हमारे पास 75 लोग हैं निगरानी में, 75 लोग ऐसे हैं जो अभी निगरानी में चल रहे हैं। और वो व्यक्ति जो है वो अहमदगढ़ थाने के पास का है, जो कि बाहर से आया है, दुबई से, और उसको क्वारंटीन के लिए बताया गया था कि होम आइसोलेशन में रहना है, लेकिन वो हमें अलीगढ़ से उसकी यात्रा मिली कि इस दौरान उसने अलीगढ़ की यात्रा की है और वापस आया है। तो हमने चूँकि वो उस प्रतिबंधों को नहीं मान रहा था, इसलिए यहाँ ला के उसे एडमिट किया है। नोएडा लॉकडाउन को लेकर ग्रेटर नोएडा बुलंदशहर सीमा पर पुलिस अलर्ट। कल शाम से ही नोएडा में वाहनों को नहीं होने दिया जा रहा दाखिल। अति आवश्यक कार्य से जाने वाले लोगों को जांच के बाद ही होने दिया जा रहा है दोनों सीमाओं में दाखिल। नोएडा से बुलंदशहर और बुलंदशहर से नोएडा जा रहे मुसाफिरों को हो रही भारी समस्या। मेरा नाम सचिन कुमार है, मैं शारदा हॉस्पिटल से हूँ और मैंने यहाँ पे आके देखा है कि लोग मोदी जी का कोई पालन नहीं करना चाह रहे, सब एक दूसरे पे ब्लेम लगा रहे हैं कि जी हमें जाने नहीं दिया जा रहा, जो गवर्नमेंट हमारे लिए सुविधा कर रही है हमें उसका पालन करना चाहिए। जांच के बाद ही अंदर जाने दिए जा रहे हैं लोग। बुलंदशहर के सिकंदराबाद सीमा पर कल शाम से ही बढ़ा दी गई थी फोर्स। सिकंदराबाद ग्रेटर नोएडा बॉर्डर पर तैनात है ग्रेटर नोएडा पुलिस। हम सुबह 7 बजे से ड्यूटी पे लगे हुए। तो क्या आपको आदेश दिए गए, किस तरह के निर्देश दिए गए बॉर्डर पे? हमें केवल इमरजेंसी आवश्यकताएं, जिनकी खाद्य सामग्री है या मेडिकल व्यवस्था है, सरकारी ड्यूटी है उनकी, वही लोग जा रहे हैं, उन्हीं को निकलने के आदेश। तो हमने भी देखा है यहाँ काफ़ी लोग जो है आपसे बहस हो रही है लंबी, काफ़ी क्या दिक्कतें आ रही हैं? एक्चुअली क्या है कि एक व्यक्ति को परेशानी है, चार लोग बोल के जा रहे हैं कि हमें दिक्कत है, तो थोड़ा सा क्लियर करने के लिए बात करना पड़ता है। लोग भी परेशानी हो रही है, ऐसे बात नहीं है कि कोई रियल प्रॉब्लम में कोई झूठ बोला, तो दोनों तरीके से तो थोड़ा सा क्लियर करने में 4-6 लोग हैं, एकदम से बात करते पता नहीं चलता किससे बात हो रही है किससे नहीं हो रही है, तो वो दिक्कत है। वैसे जो परेशानी में वो लोग निकल रहे हैं, बाकी वाहनों को रुके हुए हैं, जैसे लीगल प्रॉब्लम है वो जा रहे हैं, खाद्य सामग्री पहुँचा रहे हैं वो भी जा रहे हैं, लोग दूध है सब्जी है या किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है वो जा रहे हैं, सरकारी जॉब वाले हैं दूसरे वो पहुँच रहे, बाकी लोगों को रोका जा रहा है। बुलंदशहर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा सभी जनपदवासियों से अनुरोध किया गया है कि अपने अपने घर में ही रहें व आवश्यक कार्यों के अलावा घर से बाहर ना निकलें। जनपद के समस्त प्रतिष्ठानों दुकानदारों से यह अपील की जाती है कि केवल आवश्यक वस्तुओं सेवाओं जैसे अस्पताल, दवाई, राशन, फल सब्जी, दूध, पेट्रोल पंप आदि के विक्रेता ही अपने प्रतिष्ठानों को खोलें। आवश्यक वस्तुओं के विक्रेता भी इस बात का ख्याल रखें कि उनके यहाँ भीड़ एकत्रित ना हो पाए, ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। आप पहले से ही अवगत हैं कि देश के कुछ राज्य, कई जनपद एवं बुलंदशहर के आसपास के कुछ जनपद में भी लॉकडाउन किया जा चुका है। अपने जनपद में इस स्थिति से बचने के लिए सहयोग करें एवं लोगों को भी जागरूक करें। समस्त नागरिक से अपील करते हैं, सब लोग अपने घर में ही रहें, आवश्यक कार्यों को छोड़ के बाहर ना निकलें। देखिए, आवश्यक वस्तुएं चाहे वो मेडिसिन हो, आवश्यक सेवा हॉस्पिटल हो या खाने पीने की सामान हो, दूध हो, फल हो, पेट्रोल पंप हो, ये समस्त खुले हुए हैं। हमने लिखित में आदेश दिया है, सारे अधिकारी को निर्देशित किया जा चुका है, कोई भी जमाखोरी नहीं करेंगे। अभी कोरोना वायरस से संबंधित चाहे मास्क हो, हैंड सैनिटाइजर हो, वो एसेंशियल कमोडिटी में भारत सरकार द्वारा इंक्लूड कर लिया गया है। जो कोई भी उसको MRP से ऊपर बेचेगा या जमाखोरी करेगा, कालाबाजारी करेगा, उसके खिलाफ मुकदमा करने की आवश्यकता है। खुर्जा क्षेत्राधिकारी गोपाल सिंह वे कोतवाली प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में बाजार खोलने की दुकानदारों से की गई अपील।
दुकानदारों से सीओ खुर्जा गोपाल सिंह व इंस्पेक्टर सुभाष सिंह ने दुकानदारों से अपील की है कि ग्राहकों का सम्मान करें और पैसे लेते समय सैनिटाइजर का भी प्रयोग करें, अपने आसपास भीड़ ज्यादा एकत्र ना होने दें। साथ ही ग्राहकों से भी पुलिस द्वारा अपील की गई है कि सामान ले जाने के बाद फिर घर से ना निकलें, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करें। लोगों से हमने अपील की है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए एक सोशल डिस्टेंस जो है 1 मीटर का, उसको मेंटेन रखें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, किसी से हाथ न मिलाएं और ग्लव्स पहने रहें, अनावश्यक भीड़ न लगाएं, कहीं भी किसी भी चीज़ को लेके पैनिक न करें। इस तरह से लोगों को अवेयर किया जा रहा है, पूरा बाज़ार खुला हुआ, आवश्यक सामान सभी जो है उपलब्ध हैं और इस तरह से कोई ये भी न करे कि उसको जो है स्टॉक करे अपने घर में ले जाके, इस तरह से पैनिक फैलता है। तो उन लोगों से अनुरोध है कि अपना आवश्यक जो भी सामान है उसे लें, स्टॉक के चक्कर में न पड़े। दूसरा, लोगों से बताया गया कि कोई भी सार्वजनिक जगह पर भीड़ इकट्ठा न होने दें, उससे जो है कोरोना वायरस फैलता है, और मैन टू मैन डिस्टेंस जो है 1 मीटर की रखें। इस तरह से जो है सैनिटाइज करने के लिए अवेयर किया गया है, पूरी जो भी गाइडलाइंस हैं लोगों को मार्केट में घूम घूम के बताया गया सबको। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।